नमस्कार, आज हम मारवा थाट तथा मारवा राग की बात करेंगे। थाट का एक ग्रुप मध्यम तीव्र के साथ शुरू होता है, जिसमें पहला मध्यम तीव्र का कल्याण थाट आता है। उसके बाद मध्यम तीव्र के साथ एक कोमल स्वर जो ऋषभ है उसको लेने से मारवा थाट हमारे सामने आ जाता है। मारवा थाट के स्वर हैं सा रे गा मा पा धा रे। क्योंकि थाट में सातों स्वरों का होना आवश्यक है, इसलिए इसमें पंचम भी लिया जाता है। थाट में लेकिन मारवा राग में पंचम स्वर बिल्कुल वर्जित है। राग मारवा में षडज, ऋषभ कोमल, गंधार, मध्यम तीव्र, धैवत शुद्ध, निषाद शुद्ध, ये स्वरों का प्रयोग होता है। भाव इसमें पंचम राग मारवा में वर्जित रहता है। इस राग की जाति शाड़व शाड़व मानते हैं। भाव इसमें आरोह अवरोह दोनों में छह छह स्वरों का प्रयोग होता है। वादी तथा संवादी स्वर इसमें ऋषभ तथा धैवत है। संवाद के नियम का ये अपवाद भी है, क्योंकि वादी संवादी स्वरों में षडज पंचम या षडज मध्यम का संवाद पाया जाता है, लेकिन कुछ राग हैं जिसमें ये नियम टूट जाता है, तो मारवा राग भी उस नियम के अपवाद का एक राग है, जिसमें ऋषभ तथा धैवत के बीच में षडज गंधार जैसा संवाद है। तो धैवत और निषाद धन ऋषभ धारे, इसका इतनी दूरी है जितना सा और गा की सा गा, तो षडज गंधार जितना इसका संवाद है। तो इसके गाने बजाने का जो समय है वो दिन का चौथा प्रहर माना जाता है। तो राग का जो आरोह अवरोह है उसमें अक्सर षडज स्वर को भी बहुत ही अलग कर दिया जाता है। सा सा
कई बार हम लोग बात करते हैं कि धैवत से भोपाली के स्वर लगाते रहे बीच बीच में, तो कोमल गंधार के ऊपर गंधार से छोड़ दीजिए, सारे से भोपाली की मोशन ज्यादातर रात को इसी तरह धानी रे गा मा धानी रे गा रे निधा रे गा मा धा मा रे गा रे निधा
Yeah.